इस टाइप की AI जनरेटेड पिक्चर्स जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि आप इस टाइप के हार्ट ब्रोकन वाले AI जनरेटेड पिक्चर्स को आप कैसे बना सकते हो। एंड ये भी बताऊंगा कि आप गर्ल्स के लिए पिक्चर्स को कैसे जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर, सबसे पहले आप लोग को इमेज क्रिएट करने के लिए अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है। मैं यहाँ क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। एंड यहाँ पे सर्च बार में मैं आप लोग को सर्च करना है बिंग इमेज क्रिएटर। एंड उसके बाद जो है आप लोग को सर्च कर देना है। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट वाला साइट आएगा उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करोगे तो आप लोग को इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले आप लोग को 3 डॉट पे जाना है एंड यहाँ से जो है अपने अकाउंट को साइन इन कर लेना है। तो मैंने पहले से अपने अकाउंट को साइन इन कर लिया है, आप लोग भी अपने अकाउंट को यहाँ से साइन इन कर लेना। और उसके बाद जो है आपको कहीं पर भी टच कर देना है। एंड ये जो बॉक्स दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पर हमें एक प्रॉम्प्ट को लिखना है। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट को पहले से कॉपी करके रखा है एंड अब मैं इसमें पेस्ट कर दूँगा। एंड ये वाला जो प्रॉम्प्ट है आप लोग को मेरे टेलीग्राम के चैनल पे एंड यहाँ या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप लोग कॉपी करके पेस्ट कर लेना। एंड पेस्ट करने के बाद जो है आपको इसमें से थोड़ा सा एडिट करना है। तो आपको जहाँ पे मैंने नेम लिखा है वहाँ पे आपको इसको हटा के अपना नाम को लिख देना है। तो मैं इस नेम को हटा के अपना नाम को लिख देता हूँ। तो व्यूअर, मैंने अपना नाम को लिख दिया है एंड अब हमें सिंपली क्रिएट के बटन पर दबा देना है। जैसे हम लोग क्रिएट के बटन में दबाएंगे ये कुछ सेकंड्स लेगा एंड हम लोग का इमेज जो है जनरेट होके आ जाएगा। ये ज़्यादा सेकंड्स नहीं लेगा, कम से कम 10 या 12 सेकंड लेगा एंड हम लोग का इमेज जो है क्रिएट होके क्रिएट करके दे देगा। सो थोड़ा सा हम लोग जो है वेट कर लेते हैं। सो व्यूअर, आप सब देख सकते हैं हम लोग का इमेज जो है जनरेट होके आ चुका है। तो इन इमेज को डाउनलोड करने के लिए, अगर आपको कोई भी इमेज अगर पसंद आता है तो इन इमेज को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इमेज पर टैप करना है एंड कुछ सेकंड्स वेट करना है। एंड नीचे आप लोग को 3 डॉट देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है एंड डाउनलोड के ऊपर दबा देना है, जिससे कि यह है कि हमारा इमेज जो है डाउनलोड हो जाएगा। एंड अगर आपको सेकंड इमेज को डाउनलोड करना है तो सेकंड इमेज पे आप लोग को जाना है एंड इस प्रकार से 3 डॉट पर टैप करना है एंड डाउनलोड के बटन पर दबा के इसको डाउनलोड कर लेना है। एंड व्यूअर, अब मैं बताऊंगा कि आप गर्ल्स के लिए इमेज को कैसे जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जो प्रॉम्प्ट लिखा है हम लोगों ने, इन सबको मिटा देंगे हम लोग। एंड मैंने पहले से प्रॉम्प्ट को लिख के रखा है तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से एंड फिर से मैं उसमें पेस्ट कर दूँगा। सो आप लोग को तो मेरे टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप लोग तो कॉपी करके पेस्ट कर ही सकते हो। तो मैं इसे हटा के यहाँ पे वो वाला प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूँगा एंड जहाँ पे मैंने नेम लिखा है वहाँ पे आप लोग को किसी गर्ल का नाम को लिख देना, या फिर अपनी पार्टनर का नाम भी लिख सकते हो, या फिर कोई गर्ल है तो वो अपना नाम भी लिख सकती है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ प्रिया लिख देता हूँ मैं। तो मैंने प्रिया लिख दिया है एंड सिंपली क्रिएट के बटन पर दबा देना है। एंड जैसे ही हम लोग क्रिएट के बटन पर दबाएंगे ये कुछ सेकेंड्स लेगा एंड हम लोग का इमेज जो है दोबारा से जनरेट होके आ जाएगा। सो इसमें भी थोड़ा सा हम लोग जो है वेट कर लेते हैं। सो व्यूअर, आप सब देख सकते हैं हम लोग का इमेज जो है जनरेट होके आ चुका है। तो इन इमेज को भी डाउनलोड करने के लिए सिंपली इमेज पे टैप करना है एंड कुछ सेकंड्स जो है हम लोग को वेट कर लेना है। एंड नीचे आप लोग को 3 डॉट देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है एंड डाउनलोड के बटन पर दबा के डाउनलोड कर लेना है। एंड यदि आपको इसमें से कोई भी इमेज अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको फिर से क्रिएट के बटन पे दबा देना है एंड फिर से जो है आपको कुछ सेकंड्स वेट करना है। तो हम लोग फिर से थोड़ा सा कुछ सेकंड्स जो है वेट कर लेते हैं। तो व्यूअर, आप सब देख सकते हैं हम लोग का इमेज जो है दोबारा से जनरेट होके आ चुका है। तो आप सब देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो आप दोबारा से क्रिएट कर लेना। एंड उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आप लोग को पसंद आया होगा। सो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।